बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम सर अमानत फ्रॉम द रीडर्स। मैथमेटिक्स क्लास 10, एक्सरसाइज 1.4, रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें अलजबरिक एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन आ जाए, ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1, दीज आर रेडिकल इक्वेशन। तो 1.4 में से दो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11। बाकी मान दब क्वेश्चन भी इसी तरह हैं, एंड वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 इसलिए सिलेक्ट किया है किया और क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह इनके स्टेप्स को आप कोशिश करें समझने की, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे बेस करते हैं। तो कोशिश करें इन दो क्वेश्चन को समझने के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 6। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि दोनों साइड का स्क्वेयर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वेयर जो है वो रेडिकल साइन को एलिमिनेट करता है, यानी स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर ये दोनों अपोजिट एक्शन होते हैं। स्क्वेयर रूट को एलिमिनेट करना हो तो स्क्वेयर अप्लाई किया जाता है, स्क्वेयर को एलिमिनेट करना हो तो स्क्वेयर रूट अप्लाई किया जाता है। तो जैसा कि इस इक्वेशन के ऊपर रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वेयर अप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ का यानी टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसे सॉल्व करें, यानी a स्केयर, तो इस पे स्केयर अप्लाई करेंगे तो रेडिकल साइन स्किप हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो x प्लस 1 जो है ये हमारे पास फ्री हो जाएगा। यहाँ पे स्केयर यानी स्केयर ऑफ b, तो ये स्केयर स्केयर रूट को एलिमिनेट करेगा, तो x माइनस 2 जो है वो फ्री हो जाएगा प्लस 2ab, और राइट साइड पे स्केयर स्केयर रूट को एलिमिनेट करेगा तो x प्लस 6 जो है ये फ्री हो जाएगा। तो x प्लस एक्स टू एक्स, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव माइनस 1 प्लस 2 इंटू, यानी x प्लस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 6। 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 6, यानी राइट साइड पे जो दोनों टर्म है इन्हें लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लें, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र, 2x नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो माइनस एक्स आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 7, यानी 2x में से x माइनस करें तो x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम हमारे पास पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है माइनस 7, तीसरी टर्म है 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। तो इस टर्म को स्केयर रूट वाली टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इस रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए दोबारा स्केयर अप्लाई किया जाएगा, तो यानी स्केयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड, स्केयर ऑफ एक्स माइनस 7 इक्वल टू यानी राइट साइड में जो भी इक्वेशन मेंशन है इसका स्केयर, तो a माइनस बी होल स्केयर के मुताबिक आप इसे एक्सपेंड कर लें, यानी a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी इक्वल टू माइनस 2 का स्केयर 4 के इक्वल, और फिर ये स्केयर रेडिकल साइन को एलिमिनेट करेगा तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 जो है ये फ्री हो जाएगा। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्केयर माइनस 4x माइनस 8। एक्स स्क्र माइनस 4x स्क्र, यानी राइट साइड पे जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो इन टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस 4x स्क्र अलजेब्रिक सम माइनस 3x स्क्र, 49 प्लस 8 57, और 14 माइनस 14 एक्स प्लस 4 एक्स, इन दोनों टर्म का अलजेब्रिक सम आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 एक्स।
तो माइनस थ्री एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 57 इक्वल टू जीरो। तो अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती तो अप्लाई हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी a माइनस थ्री के इक्वल, b माइनस टेन के इक्वल, c 57 के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट ओवर टू ए, बी की प्लेस पे माइनस टेन, बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ माइनस टेन माइनस फोर ए माइनस थ्री सी 57 ओवर टू ए, यानी ए की प्लेस पे माइनस थ्री पुट कर दें। तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टेन प्लस माइनस, माइनस टेन का स्क्वायर 100 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12 को मल्टीप्लाई करें 57 के इक्वल 57 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट 684। 100 प्लस करें तो 784 ओवर माइनस सिक्स, तो 784 का स्क्वायर रूट है 28। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू 10 प्लस 28 ओवर माइनस सिक्स, x इक्वल टू 10 माइनस 28 ओवर माइनस सिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 38 ओवर माइनस सिक्स, टू पे डिवाइड करें तो माइनस 19 बाय 3, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, तो दूसरा रूट हमारे पास आएगा 3। अब हमारे पास दो रूट हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये बेटा रूल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो भी रेडिकल इक्वेशन होती है उसे चेक करना जरूरी होता है, दोनों रूट को बारी बारी रियल इक्वेशन में चेक किया जाता है, ऐसा रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो रियल रूट कहलाता है, और वो रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे वो उस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। तो रेडिकल इक्वेशन को चेक करना जरूरी होता है, हो सकता है कि कोई ऐसा इक्वेशन ऐसा रूट ड्रा हुआ हो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो इसलिए रेडिकल इक्वेशन का चेक करना जरूरी होता है। आइए अब हम इसे चेक करते हैं। तो दो वैल्यूज है हमारे पास वेरिएबल की, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 19 बाय 3। तो पहला जो है x की प्लेस पे 3 पुट करें, जहां जहां पे भी x है वहां पे हम 3 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और यहाँ पे 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 4, यहाँ से 3 में से 2 माइनस करें 1, यानी स्केयर रूट ऑफ 1 इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 9। तो 4 का स्केयर रूट 2, 1 का 1, तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू, यानी 9 का स्केयर रूट भी 3 के इक्वल होता है, तो जो रिजल्ट लेफ्ट साइड का है वही राइट साइड का है। तो अब हम इस इक्वेशन में, यानी जेन्युइन इक्वेशन में, हम माइनस 19 बाय 3 जो है वो पुट करते हैं एक्स की प्लेस पे, यानी माइनस 19 बाय 3 प्लस 1 प्लस माइनस 19 बाय 3 माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस 19 बाय 3 पुट करते हैं। 3 एलसीएम लें तो माइनस 19 प्लस 3, यहाँ पे भी 3 एलसीएम लें तो माइनस 19 माइनस 3 टू जार 6, यहाँ पे भी माइनस 19 प्लस 6 3 जार 18, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 बाय 3 स्केयर रूट ऑफ माइनस 16 बाय 3 प्लस माइनस 19 माइनस 6 माइनस 25 और माइनस 18 सॉरी माइनस 19 प्लस 18 माइनस 1। तो माइनस 16 का स्केयर रूट 4 आयोटा के इक्वल ओवर स्केयर रूट ऑफ 3, माइनस 25 का स्केयर रूट 5 आयोटा के इक्वल ओवर स्केयर रूट ऑफ 3 और माइनस 1 बाय 3 का स्केयर रूट। तो इन दोनों को अगर हम दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 9 आयोटा ओवर स्केयर रूट ऑफ 3 और स्केयर रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा के इक्वल होता है आयोटा ओवर स्केयर रूट ऑफ 3। यानी आप इस केस में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट साइड के इक्वल नहीं है, यानी माइनस 19 बाय 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो माइनस 19 बाय 3 जो है इस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा और 3 रियल रूट है, तो सॉल्यूशन सेट में हमेशा रियल रूट को लिखा जाता है, तो सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5। अब हम इन इक्वेशन में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी दोनों एक्सप्रेशन में फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो दोनों सेम है, तो इन्हें हम सपोज कर लेते हैं एक न्यू वेरिएबल के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई, तो वाई प्लस 9 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 5। ऐसा करने से जरा इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो वही रूल, यानी रेडिकल इक्वेशन है तो दोनों साइड का
स्केयर अप्लाई करेंगे बाय स्केयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर वन, स्केयर रूट सॉरी स्केयर ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू स्केयर ऑफ राइट साइड। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी इक्वल टू स्केयर ऑफ 5 25 के इक्वल। तो स्केयर रेडिकल साइन को एलिमिनेट करेगा, y प्लस 9 फ्री हो जाएगा। यहाँ पे स्केयर y प्लस 4 को एलिमिनेट करेगा तो 4 प्लस 2 फ्री, y प्लस 4 फ्री हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी। y प्लस 9 और y प्लस 4 का प्रोडक्ट y स्केयर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू 25। तो y प्लस y 2y, 9 प्लस 4 13 प्लस 2 इंटू y स्केयर प्लस 4y प्लस 9y 13y प्लस 36 इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 13 माइनस 25, यानी 25 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, प्लस 2 इंटू y स्केयर प्लस 13y प्लस 36, यानी इनका स्केयर रूट। तो 2y 13 और माइनस 25 का अलजेब्रिक सम माइनस 12 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ y स्केयर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब थ्री टर्म्स हैं, ये रेडिकल साइन के बगैर हैं, और जहाँ पे ये रेडिकल साइन वाली टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिव की बजाय साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम दोबारा यहाँ पे स्केयर अप्लाई करते हैं रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसे हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करें, और इधर ये स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और ये स्केयर बाकी रेडिकल साइन को एलिमिनेट करेगा, तो वाई स्केयर प्लस 13 वाई प्लस 36 जो है ये फ्री हो जाएगा। तो इससे हम स्केयर अप्लाई करके एक्सपेंड करते हैं, 2y का स्केयर 4y स्केयर, 12 का 144 माइनस 2 टू जा 4 4 12 जार 48y, और इसी तरह यहाँ पे 4y स्केयर प्लस 13 4 जार 52y प्लस 144, यानी 36 को 4 के मल्टीप्लाई करें तो 144। अब राइट साइड पे जितनी टर्म्स हैं इन्हें हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, जब हम इन्हें ऐसा करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 4y square नेगेटिव के साथ कैंसिल, 144 पॉजिटिव 144 नेगेटिव के साथ कैंसिल, माइनस 48y माइनस 52y दोनों को ऐड करें तो माइनस 100y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 100 जो है ये 0 ओवर माइनस 100 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y को हमने जो सपोज किया था वो x square प्लस 3x के इक्वल, तो y के प्लेस पे हम वही पुट कर देते हैं x square प्लस 3x इक्वल टू y। तो y की वैल्यू 0 पुट करें, तो यहाँ से x कॉमन, x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। तो दो रूट हमें यहाँ से हासिल हुए हैं, 0 और माइनस 3। अब हम बारी बारी इन्हें चेक करते हैं, अगर ये दोनों रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोनों रूट हमारे लिए रियल कहलाएंगे, अगर इनमें से कोई ऐसा रूट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे हम 0 पुट करते जाते हैं, तो ये 0 आ जाएगा प्लस 9, यहाँ पे भी 0 का स्केयर 0, 3 0 को के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 9 प्लस के रूट ऑफ 4 इक्वल टू 5, तो 9 का स्केयर रूट 3, 4 का स्केयर रूट 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, यानी 0 ने ये रूट जो 0 ड्रा हुआ है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अब हम माइनस 3 पुट करते हैं, जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम माइनस 3 पुट करते जाते हैं, तो ये माइनस 3 का स्केयर 9, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 प्लस 9 प्लस, ये भी उसी तरह 9 माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 9 प्लस स्केयर रूट ऑफ 4, यानी 9 माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 5, उसी तरह 9 का स्केयर रूट 3, 4 का स्केयर रूट 2, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, यानी जो रिजल्ट लेफ्ट साइड का है वही राइट साइड का है। तो ये रूट जो माइनस 3 है इसने भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो लिहाजा दोनों रूट ऐसे हैं जिन्होंने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो लिहाजा दोनों रूट रियल हैं, कोई भी इन दोनों में से एक्सट्रेनियस नहीं है, तो दोनों रूट को हम सोल्यूशन सेट के अंडर लिखेंगे, यानी देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी मानदा जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं, इन्हें अच्छी तरह समझिएगा और इन्हीं को फॉलो करते हुए बाकी मानदा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें।
तो होमवर्क भी आपका यही है कि आपने एक एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीटली सॉल्व करना है।